इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सपोज द टू वेवलेट्स सपोज द टू इंटरफेयरिंग वेवलेट्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड हैव द सेम एम्पलीट्यूड देन ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए. हमने क्या मान लिया है कि जो आपके इंटरफेयरिंग वेवलेट्स हैं दोनों उनकी जो एम्पलीट्यूड है उनका वो क्या हमारा सेम है. तो उस कंडीशन में ए वन ए टू क्या होगा आपका ए के इक्वल होगा. तो हम देख लेते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आएगी. तो के ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो के इक्वल टू ए सॉरी ए वन प्लस ए टू होता है मैक्सिमम. माइनस में होगा तो वो मिनिमम हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने ए वन ए टू हमने क्या मान लिया सेम मान लिया. तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर तो यानी के इंटू टू ए का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका फोर के इंटू ए स्क्वायर. और ये कैसी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट. तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई. ऐसे ही हम क्या मिनिमम फाइंड कर लेंगे. तो आई मिनिमम इक्वल टू के इंटू ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर यानी के ए माइनस ए का होल स्क्वायर यानी ये कितनी आ जाएगी आपकी ज़ीरो. ठीक है. तो मिनिमम इंटेंसिटी आपकी क्या रहेगी ज़ीरो और मैक्सिमम जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट ही रहेगी. तो हम क्या है वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं हम इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया है फेज डिफरेंस. इधर हमने क्या ले लिया है फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे आपकी क्या सेंट्रल जो फेज में होगी वहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहेगी हमारी मैक्सिमम. ठीक है. फिर आपकी मिनिमम हो जाएगी. फिर आपकी क्या रहेगी मिनिमम यानी ये डार्क फ्रिंज के लिए आपकी मिनिमम होगी ज़ीरो इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज के लिए आपकी मैक्सिमम होगी. तो इस टाइप में ये हमें क्या पैटर्न आपका मिल जाएगा ग्राफ हमें क्या इस टाइप में मिलेगा कि इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी. ठीक है. बस बस कम आ रही है. हेलो तो यहाँ पे हमें क्या इंटेंसिटी ग्राफ देखना है विद द फेज डिफरेंस. ठीक है. तो ये हमने एक्स एक्सिस के अलोंग फेज डिफरेंस हमने ले लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया इंटेंसिटी. तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो वेवलेट्स लिए थे हमने वो दोनों के दोनों वेवलेट सेम एम्पलीट्यूड के थे. तो एम्पलीट्यूड क्या है सेम हमने मान लिया. तो ए वन ए टू आपके इक्वल ए मान लिया है. तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी के इंटू ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर यानी के इंटू ए प्लस ए का होल स्क्वायर यानी टू ए का होल स्क्वायर या फोर के इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा. तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है ये हमारी कॉन्स्टेंट. ऐसे ही मिनिमम निकाल लेंगे. तो मिनिमम इंटेंसिटी के ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर तो ए में से ए माइनस करेंगे तो ये हमारा ज़ीरो आ जाएगा. तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या रहेगी ज़ीरो. तो ये जो मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होती है जहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलती है. ठीक है. और मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी जहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी. वो सभी के लिए कॉन्स्टेंट ही रहेगी जितनी भी आपकी फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी. ठीक है. और डार्क के लिए क्या है ये ज़ीरो रहेगी. ठीक है. ब्राइट के लिए मैक्सिमम और डार्क के लिए मिनिमम रहेगी यानी ज़ीरो इंटेंसिटी रहेगी. तो ये हमने क्या फेज डिफरेंस ले लिया है. तो ये सेंट्रल फ्रिंज में हो जाएगी ये फेज डिफरेंस पाई. फिर हमारा ये टू पाई और ये थ्री पाई. ऐसे ही आपका ये पाई यहाँ पे आपका टू पाई हो जाएगा ये थ्री पाई. तो इसी फॉर्म में आपको हमें क्या मिलेगा ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज के लिए और मिनिमम रहेगी आपकी डार्क फ्रिंज के लिए. नेक्स्ट है आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ. तो ये होता है हमारा द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ टू सोर्स
स्क्रीन डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन फ्रिंज विड्थ एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। तो हम फ्रिंज विड्थ यानी हमारा टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा थीटा के, तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि थीटा इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, हम बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा और स्क्रीन का डिस्टेंस है वो कैपिटल डी से, तो बीटा और डी का जो रेशियो है यही आपका रेशियो क्या बोला जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू रखेंगे तो फ्रिंज विड्थ होती है मानी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो कैपिटल डी से कैपिटल डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। तो ये क्या आ गई हमारी फ्रिंज विड्थ आ गई। तो यहाँ पे देखिएगा जो एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ है ये डिपेंड कर रही है वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, जो आपका वेव लेंथ है उसकी लाइट की जो वेव लेंथ है उस पर डिपेंड कर रही है। दूसरा डिपेंड कर रही है कि जो हमने सोर्सेज लिए हैं दोनों उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन, यानी पोजिशन ऑफ स्क्रीन पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कैपिटल डी पर ये डिपेंड नहीं कर रही। तो ये हो जाएगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन की पोजिशन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। डिफ्रैक्शन इट मीन्स द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, ठीक है, टू अकर्स द डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद द वेव लेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। नाउ फर्स्ट टाइप इज फ्रेजनल, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, एंड सेकेंड टाइप इज फ्रॉनहॉफर, फ्रॉनहॉफर डिफ्रैक्शन। तो आपकी जो सिलेबस में वो फ्रॉनहॉफर डिफ्रैक्शन है। नाउ फर्स्ट फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होगा, द सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर फाइनाइट डिस्टेंस, या फिर ये बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज फाइनाइट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, ठीक है, देन द डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रॉन, देन द डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में हमारा क्या होता है कि ये जो आपका सोर्स है और जो आपका स्क्रीन है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी हमारी, फाइनाइट डिस्टेंस डिस्टेंस होती है, ठीक है। दूसरा है आपका फ्रॉनहॉफर डिफ्रैक्शन, सेकंड इज फ्रॉनहॉफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहॉफर डिफ्रैक्शन में जो आपका सोर्स जो होता है वो स्क्रीन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, ठीक है,
यानी द ऑब्स्टेकल इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, या फिर ये बोल सकते हैं कि द सोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट, देन द डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन।